إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان ہے. اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بارہا گفتگو ہو چکی ہے کہ مورخین کا بڑا شدید اختلاف ہے. اسی طرح تاریخ وفات کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے مورخین کے یہاں، لیکن اکثر مورخین 12 ربیع الاول بیان کرتے ہیں وفات کی تاریخ، اور پیدائش کے سلسلے میں اکثر مورخین نے 9 ربیع الاول بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا نبی و رسول بنا کر دنیا والوں کے لیے دنیا کی طرف مبعوث کیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا انعام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت بندوں پر اللہ کا احسان عظیم ہے. قرآن کریم میں اس تعلق سے بہت سی آیات موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا حادثہ ہے. قیامت تک اس سے بڑا حادثہ واقع نہیں ہوگا. لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ایسے کام کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، فعل سے اور کسی بھی اعتبار سے ثابت نہیں ہے. چند برسوں سے سیاسی سپورٹ کی بنیاد پر 12 ربیع الاول کو باقاعدگی کے ساتھ جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. کھانوں کا اہتمام، بڑے پیمانے پر کھانے بنائے جاتے ہیں، انہیں تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح غیروں نے
अपने बड़ों की पैदाइश की तकरीबात मनाना शुरू की हुई हैं, उसी के नकल करते हुए मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये काम अंजाम दे रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा 23 साल नबूवत का दौर आप पढ़ जाइए, सीरत की तमाम किताबें, हदीस की तमाम किताबें, कहीं भी आपको ईद मिलाद के नाम से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, कोई हदीस आपको नहीं मिलेगी, किसी सहाबी का कौल या अमल नहीं मिलेगा। मैंने जो आयत पढ़ी है सूरह निसा की, बड़ी अहम आयत है ये, इसमें कहा गया है वमन युशाकिकु रसूल मिन बादी मा तबय्यना लहुल हुदा, रसूल के आ जाने के बाद और हिदायत वाजे हो जाने के बाद, हिदायत वाजे है, कुरान करीम हमारे पास मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है, सहाबा का तआमुल मौजूद है, तो हिदायत वाजे है, खुली हुई है। वमन युशाकिकु रसूल मिन बादी मा तबय्यना लहुल हुदा, हिदायत वाजे हो जाने के बाद वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो भी गैर मोमिनीन के रास्ते पर चलेगा हम उसकी रस्सी को ढीला छोड़ देंगे, वल्ली ही माता वल्ला, उसी रास्ते पर उसको ढीला छोड़ दें, वनुसलिही जहन्नम वसाअत मसीरा, और उसका ठिकाना जहन्नम है जो बहुत बुरा ठिकाना है। इस आयत में एक छोटा सा टुकड़ा है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो गैर मोमिनीन के रास्ते पर चला, इसका बरक्स क्या हुआ, जो मोमिनीन के रास्ते पर नहीं चला, माना क्या हुआ कि जो मोमिनीन के रास्ते पर नहीं चला। मोमिनीन कौन थे जब ये आयत नाजिल हो रही थी, मोमिनीन सहाबा इकराम की जमात थी, हजरत अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली थे, साबिकून अव्वलून थे, ईमान लाने वाले सहाबा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग जो ईमान ले आए थे, हमजा थे आपके चचा और दीगर अफराद, ये मोमिनीन थे। अल्लाह फरमाता है जो इनके रास्ते पर नहीं चला, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसको उसकी रस्सी को ढीला छोड़ देते हैं, वनुसलिही जहन्नम वसाअत मसीरा, उसका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। भाई ऐसे मत बैठो, तो आयत वाजे है। अब मोमिनीन का रास्ता देखिए क्या है, मोमिनीन ने जश्न ईद मीलाद के नाम से कोई जश्न मनाया, पूरी तारीख खंगाल डालिए, हदीस की जितनी किताबें हैं उनमें आप इस्तंजे के अबवाब आपको मिल जाएंगे, गुस्ल के अबवाब आपको मिल जाएंगे, वजू के अबवाब आपको मिल जाएंगे, लेकिन ईद मिलाद का बाब आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, आपकी फरमाबरदारी के सिलसिले में बहुत सी आयात में हुक्म दिया है,
बहुत सारी आयात हैं जिनमें इस बात का हुक्म दिया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लु अन्हु व अंतुम तस्मऊन क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन। मुसलमानों, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। जबकि तुम सुन रहे हो, तुम्हारे कान बहरे नहीं हैं, तुम सुन रहे हो, और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना कि जिन लोगों ने सुना और कहा कि हमने सुना ही नहीं। तो ऐसे मत हो जाना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तबा करें, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आप इनसे कह दीजिए कि ये आपकी इत्तबा मेरी इत्तबा है। मन युत रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्म ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजन मिम्मा कदैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम है, वो शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने तमाम मामलात में आपको हकम तस्लीम न कर ले, आपको फैसला करने वाला न मान ले, और जो फैसला आप करें उसे खुश दिली से तस्लीम न कर ले, कोई तंगी अपने दिल में महसूस न करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, फलियहज़रुल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। बस उन लोगों को डर जाना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर की मुखालफत करते हैं। ऐसा न हो कि उन्हें कोई बड़ा फितना आ ले, कोई बड़ा फितना अपनी लपेट में ले ले, या दर्दनाक अज़ाब उन पर वाक़े हो जाए। तो कुरान करीम में बेशुमार आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अमालकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और उनकी मुखालफत करके अपने आमाल को बर्बाद मत करो। कितनी आयात हैं जिनको सुनाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है, और इताअत रसूल के बगैर नजात मुमकिन नहीं है। इसको अच्छी तरह अपने जहन में रख लीजिए। जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से अपने आप को आज़ाद कर लिया, उसकी नजात मुमकिन नहीं है। नजात के लिए, जन्नत के लिए जरूरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपकी पैरवी। अकीदे के मसाइल में भी, इबादात में भी, मामलात में भी, गोया दुनिया के तमाम उमूर में इन आयात की रोशनी में हम गौर करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन लोग मेरे जमाने के लोग हैं, फिर उनके बाद के लोग हैं, फिर उनके बाद वाले हैं। तीन जमाने जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के जमाने करार दिया, बेहतरीन जमाने, और उन मुसलमानों को बेहतरीन मुसलमान करार दिया। तीन सदियां आप तलाश ने, तीनों सदियों में कहीं जश्न ईद उल मिलाद के नाम से कोई जश्न, कोई ईद किसी ने मनाई है? ये हमारा चैलेंज है सारे लोगों को, जितने ये जुलूस निकालने वाले हैं सबको चैलेंज, लाए कोई दलील। अब एक शख्स की मैं तकरीर सुन रहा था, उसने कहा साहब मना की दलील दिखाओ, ईद मिलाद मना की कोई दलील हो वो दिखाओ, 40वें के मना की कोई दलील हो दिखाओ, बरसी के मना की कोई दलील हो दिखाओ। ये अहमकाना मुतालबा है, जहालत भरा मुतालबा है।
क्यों? दलील उसके जिम्मे होती है जो अमल करता है। हम तो कहते हैं ये है ही नहीं, जो कहता है हम कर रहे हैं वो दलील दे। दलील हमारे जिम्मे नहीं, दलील उनके जिम्मे है। जो कर रहे हैं वो दलील दें। हम तो कहते हैं वो दलील ही नहीं है, और दलील नहीं है तो हम इसीलिए नहीं करते। अब आप करते हैं तो दलील आप लाइए, हमसे क्यों मुतालबा कर रहे हैं? और ऐसे बहुत सारे सवाल कायम किए जा सकते हैं जिनके बारे में आदमी दलील मना की नहीं ला सकता। मिसाल के तौर पर अजान होती है सारी मसाजिद, अजान का आखिरी जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दिन मुअज्जिन साहब को मोहब्बत रसूल का बड़ा जज्बा जोश आया और उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया अजान में, अजान के आखिर में। इस अजान को कोई तस्लीम करेगा? कोई तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन मना कहां है? अगर उसी की तरह हम भी जहालत करें पर मुझे मना कहां है? मना है, किसी चीज का शरीयत में सबूत ना होना ही उसका मना होना। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह कितना प्यारा जुमला है, ये हमारे ईमान का एक जुज है, लेकिन अजान के अखीर में कोई भी इसको तस्लीम नहीं करेगा जिसको कहा जाए। हर एक आदमी अजान का इख्तिताम ला इलाहा इल्लल्लाह पर करता है। अभी हम इंशाल्लाह जुमे की नमाज पढ़ेंगे और सारे मुसलमान जुमे की दो रकअत पढ़ते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। सारी उम्मत किसी भी फिरके का आदमी है दो रकअत पढ़ता है। किसी दिन इमाम साहब तीन रकअत पढ़ा दें तो पीछे से कोई ना कोई सुभान अल्लाह कहेगा और फिर उनको सजदे सहव करना पड़ेगा उस नमाज को सही करने के लिए। पीछे से सुभान अल्लाह किसी ने बोला, इमाम साहब ने सुना नहीं, यानी तवज्जो नहीं दी और नमाज के अखीर में सजदे सहव भी नहीं किया। नमाज खत्म करके कहा भाई मैंने कोई गुनाह कर दिया, एक हरकत और पढ़ ली मैंने, ये तो नमाज ही तो है, सवाब का काम है। तो क्या इस तीन रकत की जुमे की नमाज को कोई आदमी जुमे की नमाज मानेगा? हर एक कहे नमाज नहीं हुई, मना है कहीं? किसी हदीस में लिखा हो जुमे की तीन रकतें पढ़ना ममनू है? कहीं नहीं। ऐसे नहीं लिखा है जश्न मीलादुन नबी मनाना ममनू है, ऐसे भी नहीं लिखा। लेकिन चूंकि सबूत नहीं है इसलिए मना है। जिस तरह जुमे की तीन रकतें नहीं बोल सकते और अजान के अखीर में मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सकते, इसी तरह जश्न ईद मीलादुन नबी भी मनाना नाजायज है, बिदअत है। इसकी कोई दलील इस्लामी शरीयत में नहीं है और यह ईजाद है चौथी सदी हिजरी की। चौथी सदी हिजरी, फातिमी हुक्मरानों ने जो गाली राफिजी थे, मिस्र में उनकी हुकूमत कायम हुई 362 या 363 में, उसके बाद ये रस्म उन्होंने जारी की। तो इसकी ईजाद तो चौथी सदी की है। तीन सदियां, तीन जमाने जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर और भलाई के जमाने करार दिया है, उन जमानों में यह अमल नहीं था। अब लोगों ने कुरान मजीद से दलील निकाल ली। आप लोग मालूम नहीं सुनते हैं कि नहीं, हम तो सुनते हैं उन लोगों के दलाइल और अपनी मालूमात में इजाफे के लिए सुनते हैं। सूरह यूनुस की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा कुल बिफ़ज़लिल्लाह वबी रहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अब ये आयत बतौर दलील पेश की जा रही है। इसमें अल्लाह ताला फरमाया कि नबी आप कह दीजिए कि जो अल्लाह का फजल और रहम आप पर हुआ है
उस पर आप खुशी का इजहार कीजिए। आयत में जो एक लफ्ज है फकीदारी का फलियफ रखू, उससे इस्तदलाल है और रहमत से भी इस्तदलाल है, फजल से भी इस्तदलाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा और आपका की रिसालत और आपका वजूद भी अल्लाह का फजल करम है सारी इंसानियत के लिए। तो अल्लाह फरमाता है कि जो फजल और रहमत हमने तुम पर की है बस उस पर खुशी मनाओ, इसलिए हम ये जश्न ईद मिलाद मना रहे हैं। अब बताइए आप गौर कीजिए, इस आयत में कहीं मिलाद का जिक्र है कहीं नहीं है, और आयत को समझने के लिए इससे पहले आयत पढ़नी पड़ेगी। या अय्युहन्नास قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين। इससे पहले वाली आयत ये है, इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया है, ऐ इंसानों, सारी दुनिया को खिताब है, तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला ने एक नसीहत भेजी है और एक ऐसा कलाम भेजा है जिसमें तुम्हारे दिलों की बीमारियों का इलाज है, वह शिफा उल्लिमा फिस सुदूर, तुम्हारे सीनों में जो बीमारियां हैं उनका इलाज है उसमें। जो नसीहत अल्लाह ने भेजी है तुम्हारी तरफ उसमें तुम्हारे सीनों की बीमारियों का इलाज है। सीने की बीमारी क्या है, ये हार्ट अटैक वगैरह नहीं है, सीने की सबसे बड़ी बीमारी है शिर्क, सीने की सबसे बड़ी बीमारी है बिदात और खुराफात, शिर्क और बिदात, इन बीमारियों का इलाज है इस नसीहत में जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है। वह हुदन व रहमतुन लिलमुमिनीन, और ये तुम्हारे लिए रहनुमाई करने वाली नसीहत है और ये रहमत है मोमिनीन के लिए। अब इस आयत से जोड़कर इस आयत को पढ़ें, कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह ने जो फजल तुम पर किया है, जो तुम्हारी तरफ रहमत भेजी है, फ़ज़लिल्लाह फ़लयफ़रहू, उस पर खुश हो जाओ। यानी जो कुरान अल्लाह ने तुम्हारी तरफ भेजा है, जो रहनुमा किताब अल्लाह ने तुम्हारी तरफ भेजी है, जो हिदायत अल्लाह ने तुम्हारी तरफ भेजी है, इस हिदायत पर तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। कुरान मजीद मुराद है, जश्न ईद मुराद नहीं है, जश्न ईद मिलाद। अच्छा एक और नाइए से सोचिए जरा, मैं जो ये गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं आपको भी गौर फिक्र की दावत दे रहा हूं, सोचिए आप भी, अल्लाह ने आपको भी अकल सलीम दी है। ये आयत जब नाजिल हुई तो सहाबा मौजूद थे कि नहीं, सहाबा इकराम मौजूद थे या नहीं, उन्होंने इस आयत को किस तरह समझा और इस आयत का क्या माना मफहूम लिया, उन्होंने इस आयत से जश्न ईद मिलाद नहीं समझा। आज 15वीं सदी में लोग इस आयत से जश्न ईद मिलाद की दलील ले रहे हैं, सहाबा ने इसको दलील नहीं बनाया इस अमल का, वो जानते ही नहीं थे इस अमल को, उनके बाद वालों ने नहीं मनाया, उनके बाद वालों ने नहीं मनाया, सारे मुहद्दिसीन ने इस आयत को इस मसले की दलील नहीं बनाई। हम आपके इस्तदलाल को क्यों माने, आपकी हैसियत क्या है, कौन है आप? हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है, हमारे सामने सहाबा इकराम का अमल है, खुलफाए राशिदीन का अमल है, वो हमारे सामने है, आपकी हैसियत क्या है? तो ये इस अंदाज से बेतुकी दलीलें और जो आयात दलील नहीं बनती है उन आयात को पेश करना ये निहायत जहालत और बेवकूफी की बात है। तो मेरे भाइयों, इस तरह के जो दलाइल हैं वो किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। अब एक दलील और सुन लीजिए, आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस में ये बात मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पीर के दिन का रोजा रखते थे और जुमेरात को रोजा रखते थे। आपसे पूछा गया, अल्लाह के रसूल आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया मैं इस दिन पैदा हुआ था। मैंने जैसा कि शुरू में जिक्र किया, तारीख में बहुत इख्तलाफ है लेकिन दिन में इख्तलाफ नहीं है। दिन पीर का है, पैदाइश का भी, वफात का भी। आपने फरमाया मैं इस दिन पैदा हुआ था और इसी दिन मुझे रिसालत मिली थी, नबूवत अता की गई थी, और पीर के दिन और जुमेरात का भी जिक्र दूसरी हदीस में है कि आमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोजे की हालत। अब ये भी दलील बनाई है कि देखिए साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर का रोजा रखते थे, तो इसे साबित हो गया ईद मिलाद मनाना। ये दलील उल्टी पड़ रही है। नबी अलैहि सलाम हर पीर का रोजा रखते थे। आप तो साल भर में ये झंडियां लगाते हैं, साल भर में जुलूस निकालते हैं, साल भर में या रसूलल्लाह के नारे लगाते हैं, पीर को रोजा रखिए, हर पीर का रोजा रखिए। और जब रोजा होता है तो ईद नहीं होती। मसला मालूम है ना? ईद के दिन का रोजा ममनू है, हराम है। अगर नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है तो फिर उस दिन रोजा नहीं रखा जाएगा, और अगर उस दिन रोजा रखा जाएगा तो फिर वह ईद का दिन नहीं है। ये दलील उल्टी पड़ गई। बेवकूफों को मालूम नहीं क्या बयान कर रहे हैं। जिसको दलील बना रहे हैं वो खुद उनके खिलाफ जा रही है। ये सूरत हाल है। और नारा है मोहब्बत रसूल का, नारा है मोहब्बत रसूल। जो आदमी कहता नहीं ईद मिलाद नहीं है इस्लाम में, इसको ये गुस्ताख है, इसे मोहब्बत नहीं है अल्लाह के रसूल से। अरे जालिमो, बताओ अबू बकर उमर उस्मान वाली को मोहब्बत थी या नहीं अल्लाह के रसूल से? हमारी मोहब्बत और उनकी मोहब्बत का कोई मुबादला किया जा सकता है? उसे तोला जा सकता है? उन्हें अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत थी तो उन्होंने क्यों नहीं मनाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है कि ऐसे खुराफाती काम न किए जाएं, ऐसा काम न किया जाए जिसकी तालीम आपने न दी हो, जिसकी हिदायत न की हो, जिस पर अमल न किया। यह है मोहब्बत का सही मफहूम। मोहब्बत का सही मफहूम है इत्तबा, पैरवी, फरमा बरदारी। जो चाहे अपने दिल से हम करने लगे और उसे मोहब्बत का नाम दे दें, ये मोहब्बत नहीं है, ये अदावत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, आपके तरीके से। और मेरे भाइयों, आपने सीरत के बयान में वो वाकयात भी सुने हैं कि जब 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहि सलाम की वफात हुई है तो मदीने में क्या हालात थे। 12 रबीउल अव्वल को जो हालात मदीना में थे उसे जानना है तो सैयदा फातिमा से पूछे उन पर क्या गुजरी थी, अबू बकर उमर उस्मान अली से पूछे उन पर क्या गुजरी थी, बिलाल हबशी पर क्या गुजरी थी। और जालिमों, तुम 12 को जश्न मनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, कोई गैरत नहीं है, कोई इस्लाम का लिहाजो पास नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबों पर उस दिन क्या गुजरी थी। तो कयामत टूट पड़ी थी उन लोगों पर, तो उस दिन जश्न मना रहे हो, उस दिन को ईद का दिन कह रहे हो, ये सरासर बिदात और खुराफात हैं। जहां तक हो सके अपने भाइयों को इन तमाम चीजों से दूर रहने और बचने की तलकीन फरमाइए। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। अकूलु कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहू हुवल गफूरुर